हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, माय डियर मॉम्स, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका छोटा बेबी है और अपनी छोटी बेबी को अगर आप डेली सुबह सुबह की धूप देते हैं, सनबाथ देते हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। साथ में आपको मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी डेली जब सूरज की रोशनी पहली पहली किरणें पड़ती हैं, आप उसमें बैठें, आप भी सनबाथ लें, धूप में बैठें, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं अपनी वीडियो में बच्चों की, जी हाँ बच्चों की, क्योंकि बच्चों में जब वो छोटे होते हैं, नवजात होते हैं, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो आप उसको सनबाथ देंगे तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने सुना होगा कि बच्चों को पैदा होते ही पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो आप अगर अपने बेबी को डेली सनबाथ दे रहे हैं, ध्यान रखिए सुबह की जो धूप निकलती है, अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, विंटर हैं, तो धूप नहीं निकलती है, लेकिन जब भी आपको लग रहा है कि धूप निकल रही है, आप फटाफट से देखिए कि सबसे ज़्यादा अच्छी धूप किस आपके घर में किस कॉर्नर में पड़ रही है, वहीं पर आप अपने बच्चे का बिस्तर लगा दीजिए और वहाँ पर डायरेक्ट बच्चे के ऊपर सनरेज आने दीजिए, ठीक है। तो उन सनरेज से क्या होगा, जो सुबह की जो पहली किरणें बच्चों के शरीर पर पड़ेंगी, उससे शरीर में अगर जो बच्चे के पीलिया की प्रॉब्लम है, वो पीलिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले यही है कि आपको कितने देर तक इसमें बैठना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको एक आधा घंटा तो आपको मिनिमम बैठना ही बैठना है। आधा घंटा सफिशियंट है। अगर आप डेली आधा घंटा अपने आप को भी दे रही हैं, बच्चे को धूप में रख रही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे बच्चे को होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, अगर बच्चे को पीलिया की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको ये लगातार 15-20 दिन करना है और आधे घंटे आपको अपने बच्चे को धूप देनी है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दूसरी, बच्चा एनर्जेटिक बनेगा। आप देख सकते हैं कि सर्दियों में कितने मतलब ठंड के मारे हाथ पैर नहीं चलते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, उस तरीके से काम नहीं कर पाता, तो ठंड से जो ठिठुरन रहती है, अगर आप बच्चे को धूप दे रहे हो तो एक एनर्जी लेवल अप हो जाती है, बच्चे की बॉडी में एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, वो अच्छे से खेलता है और वो एनर्जेटिक फील करता है, ठीक है। तो एक एनर्जी लेवल भी बच्चे की बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके साथ हम बात करेंगे कि अगर आप बेबी को सनबाथ दे रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि अगर अच्छी सी धूप निकल रही है, तो आप उसी टाइम बच्चे की अच्छे से मालिश कर दीजिए, ठीक है। जितनी हो सकता है धूप में बैठ के उसी टाइम बच्चे की अच्छे से मालिश कर दीजिए, मसाज कर दीजिए, और मसाज करोगे तो आप उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ उसके जो बोन्स हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। और मसाज करके बच्चे को अच्छे से आप कपड़े पहना दीजिए और धूप में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होगा, रक्त संचार अच्छे से होगा, तो आप बच्चे की मसाज ज़रूर कर दें। आपने सुना होगा कि विटामिन डी सूर्य की जो किरणें होती है, पहली पहली किरणें होती हैं, उससे हमें बहुत अच्छी मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं कमज़ोर हैं, छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती हैं, वीक ही होती हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाएं, तो आप सुबह सुबह की धूप बच्चे को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। 90% विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिल जाती है, तो आप ये ज़रूर करें, बच्चे को ज़रूर सुबह सुबह की धूप दिखाएं। जब भी धूप निकलती है, अगर कोहरा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर धूप निकल रही है तो आप डेली अपने बच्चे को सूर्य की रोशनी जो सुबह सुबह की आती है वो ज़रूर दें, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों के पैर जो होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं, बो लाइक स्ट्रक्चर बच्चों का होता है पैरों का, इस तरीके से स्ट्रेट नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे कर्व जैसे होते हैं, तो ये अगर बच्चे के पैरों में प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चों के पैरों की अच्छे से मसाज करके सूर्य की रोशनी में छोड़ दें उसी समय, तो बच्चों के पैर हैं वो विटामिन का जो विटामिन डी बच्चों को मिलेगी, उससे जो बच्चों के पैर सीधे होने लगेंगे, लेकिन आपको ये रेगुलर करना है, जब भी धूप निकलती है आपको ये कर देना है, ठीक है, सोचना नहीं है अब। और इसके साथ और क्या बच्चों के प्रॉफिट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ
कि जैसे किसी भी प्रकार का बच्चे के बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, जैसे एलर्जी टाइप में है, फुंसी फुंसी हैं, दाद जैसा कुछ, बॉडी बच्चे की बॉडी पर रैसेस रैशेस हो गए हैं, रेड रेड दाने हैं, तो ये भी फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, ये भी जो सूर्य की किरणों की जो रोशनी होती है सुबह सुबह की, उससे भी ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों को हम बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं जिससे कि उन्हें फ्रेश एयर और सूरज की जो रोशनी उनको नहीं मिल पाती, जिससे बच्चे बहुत सारे इन्फेक्शन से जो इन्फेक्शन बच्चों को हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो आप डेली उसे सनबाथ दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बच्चे की मसाज करने से बच्चों को अच्छी नींद आती है, तो अगर जब बच्चों को आप अच्छे से मसाज करोगे, तो हम बच्चे की बॉडी में एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है, उसका भी लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। आप ये भी कर सकती हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों को सनबाथ देने के, तो क्यों ना आप ये करें। तो आप बस आपको करना क्या है कि घर में कोई भी एक ऐसी एरिया देख ले जहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ जाए, तो वहाँ आप बच्चे का बिस्तर लगा दें और वहाँ पर आप बच्चे को छोड़ दें। ध्यान रखें हवा कहीं से ना आए ताकि बच्चों को ठंड ना लगे, ठीक है। गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों की बोन्स प्रॉब्लम में, बच्चे को जॉन्डिस है, अच्छी नींद नहीं आती है, या बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें सनबाथ देने से प्रॉपर तरीके से होंगी। साथ ही साथ आप मॉम हैं, तो आप खुद भी सूर्य की रोशनी में, सुबह की सूर्य की किरणों में प्लीज़ आप भी बैठिए। आपके अगर जोड़ों में दर्द है, अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप ज़रूर बैठिए। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया, तो आप ज़रूर धूप में बैठिए, ठीक है। अगर घर में प्रॉपर धूप नहीं आ पा रही हो, तो आप छत पर लेकर अपने बच्चे को चले जाइए, आधा घंटा, कोई ज़्यादा नहीं, आधा घंटे अपने बच्चे को पूरा एक्सपोजर उसकी बॉडी करिए, ताकि वो सूर्य की रोशनी सीधे उसकी बॉडी में चली जाए, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स थे बच्चे को सनबाथ देने के, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ आप ये सब करें ताकि बच्चा एक जगह कोने में ठुटरा ठुटरा सा ठंड में बैठा ना रहे, उसके जो बॉडी में एनर्जी आए, अच्छी नींद आए, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो, तो प्लीज़ आप ये करिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।